समर सीजन है और इतनी तेज गर्मी है कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे स्किन को ज़्यादा बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि हमारा फेस ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है। तो इसलिए सूरज की जो तेज़ रोशनी है और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है हमारे फेस पर सबसे पहले इम्प्रेशन डालती है। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो सबसे पहला ये कि आपका स्किन जो फेयर होता है वह आहिस्ता आहिस्ता डार्क होना शुरू हो जाता है, दाग धब्बे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स होने भी शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, आपका स्किन का एजिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर जितना ज़्यादा हम एक्सपोजर रखेंगे अपने स्किन का अल्ट्रावायलेट रेज में, इस तेज़ रोशनी में, आपकी स्किन के ऊपर में एक्ने भी होगा, मुहासे भी डेवलप होंगे और इसके साथ ही स्किन कैंसर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें और इसके लिए हमें सन स्क्रीन की ज़रूरत होती है। लेकिन कौन सा सनस्क्रीन हम इस्तेमाल करें जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और जो हमारे स्किन पर किसी तरह का नुकसान डाले बगैर हमारे स्किन को इंटैक्ट रखे, तो इसके लिए आज जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसा ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि न्यूट्रीजेना के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रीजेना का आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, क्या ये सभी के लिए बेस्ट है, किस तरह के स्किन वाले लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या मेल भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या ये फीमेल के लिए है। न्यूट्रीजेना अल्ट्रा शेयर वाटर रेसिस्टेंट ड्राई टच सनब्लॉक 50 SPF के नाम से ये मार्केट में आता है। इसमें हेलियोप्लक्स TM का फॉर्मुलेशन किया गया है जो कि आपके स्किन की एजिंग को तेजी से होने से रोकती है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर में रिंकल को डेवलप होने से रोकती है। इसमें ड्राई टच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो कि अल्ट्रा लाइट नॉन स्टिकी फिनिश देने में आपकी मदद करता है, नॉन शाइनी फिनिश देने में आपकी मदद करता है। ये एक लाइट वेट सनस्क्रीन है जो कि एक हल्की सुगंधित खुशबू के साथ में आता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तो भी आप इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। ये वाटर रेसिस्टेंट है, स्वीट रेसिस्टेंट है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, ऑयल फ्री है और PA BA फ्री है। आपकी स्किन चाहे ऑयली हो, आपकी स्किन चाहे ड्राई हो, हर तरह की स्किन वाले लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 88 ml के पैक में आता है जो कि ऑलमोस्ट 550 के आसपास में आता है। और अगर अब रही कि इसे हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी हम जान लेते। जैसा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर में इसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उस हिसाब से आपको जब आप बाहर निकलते हो, स्कॉर्चिंग हीट में आप बाहर जाते हो, तो जाने से पहले, बाहर निकलने से पहले, यानी कि 15 से 30 मिनट पहले आपको अपने स्किन के ऊपर में इसे लगाना है और आप चाहें तो अपने नेक पर और अपने हाथों पर भी इसे लगा सकते हो और लगा कर के यूं ही छोड़ दें। लगाने के बाद 15 से 30 मिनट के बाद आप बाहर जा सकते हो। तो आप इसका इस्तेमाल तभी आप करें जब आपको बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर हो, गर्मी हो, तो आपको अगर बाहर निकलना है तो इस्तेमाल करें। यानी कि आम क्रीम के तरह आप इसे घर पर यूं ही इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। ये SPF 50 का फॉर्मूलेशन है और सन प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया है ताकि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ इसका आप मत करो अगर आपको घर में रहना है तो। अब इसमें क्या क्या खास बात है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसको भी जान लेना ज़रूरी है। ये स्मूथ क्रीमी टेक्सचर के साथ में आता है, आपकी स्किन को चिपचिपा नहीं बनाता है। जब आप इसे इस्तेमाल करते हो तो ये लाइट वेट और बहुत कंफर्टेबल फील आपको देता है। जहाँ तक सेंट की बात है तो बहुत ज़्यादा हेवी सेंट नहीं है, लाइट प्लीजेंट, बहुत ही अच्छा सेंट में आता है ये। किसी तरह का इरिटेशन नहीं है और आपकी स्किन ड्राई हो चाहे ऑयली हो, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर है। नॉन ग्रीसी है। जहाँ तक प्राइस की बात है तो रीजनेबल प्राइस है जो कि आप इसे अफोर्ड कर सकते हो। वाटर रेसिस्टेंट है और हर तरह के स्किन वाले लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे स्किन आपकी ड्राई हो, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, या फिर डिहाइड्रेटेड भी हो या हाइड्रेटेड भी हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक बहुत बेहतरीन और अच्छा प्रोडक्ट है, नॉर्मल रेंज में आता है, प्राइस इसकी जो है वो अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ SPF 50 का फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल किया गया है, सन प्रोटेक्शन का काम करता है, आपके स्किन की एजिंग प्रोसेस को
तेजी से होने से रोकता है, आपकी स्किन पर कील, मुहासे, दाग धब्बे को होने से रोकता है और आपकी स्किन को डार्क होने से रोकता है। जहां तक रही साइड इफेक्ट की बात, तो इसमें SPF 50 का फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब आप बाहर जा रहे हो सूरज की रोशनी में, अल्ट्रा वायलेट रेज में, तो आप इसका इस्तेमाल करो। अदरवाइज़ अगर घर में रहना है तो फिर आप नॉर्मल क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।